नवाज शरीफ को एपीसी से खिताब नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक मुजरिम है। अगर शहबाज शरीफ करते हैं या कोई जरदारी करते हैं तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मज़ायका नहीं है, लेकिन अगर कोई मुजरिम करता है तो ये पाकिस्तान की अदालतों के लिए भी एक बैड लक है और हुकूमत के लिए भी एक बैड लक है। लेकिन वो एक लीडर है, उस पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं, तो मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ को एपीसी से खिताब करना चाहिए, क्योंकि इस पर ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग है, वो हर पार्टी करती है और हर पार्टी का वतीरा रहा है कि वो जब भी मतलब किसी मुश्किल में फंसती है तो वह हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह की हथकंडे जो है ना ज़रूर आजमाती है। आज हमारे पाकिस्तान में एक बेशरम इंसान ने खिताब किया है, लेकिन उसको खिताब करना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान में सजा याफ्ता है। आज उसने बेशर्मी की इंतहा ही कर दी है, मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन हम फिर भी यकीन है कि इमरान खान साहब से हमें बहुत ही उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह वो एक न एक दिन ज़रूर बेहतरी लाएंगे ये महंगाई में। हमें आज भी उम्मीद है और कल भी है, और हम उसके साथ आज भी हैं और कल भी इंशाल्लाह रहेंगे। इमरान खान ठीक है, नवाज शरीफ फारिग। नवाज शरीफ को आना चाहिए, वो बहुत अच्छे काम करता है। नवाज और शहबाज शरीफ भी ठीक है दोनों। वैसे एपीसी होता क्या है मुझे पता ही नहीं है, आप पूछी जा रहे हैं बार बार एपीसी, ये आखिरकार एपीसी है क्या? ये तो आपने बताना क्या है। आल पब्लिक क्रिटिसाइज। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बहुत अच्छे थे, नवाज शरीफ दोबारा वज़ीर आज़म बनने चाहिए। इमरान खान वज़ीर आज़म एक बार तो बने, अब नहीं बनेगा। नवाज शरीफ साहब ने भी वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब किया और आसिफ जरदारी ने भी। नवाज शरीफ साहब ने कहा जी कि मेरी दुश्मनी इमरान खान से नहीं, मेरी दुश्मनी उन लोगों से जो इमरान खान को ले गए हैं, एक बात। दूसरी बात यह है जी कि नवाज शरीफ साहब उन लोगों को ब्लेम कर रहे हैं जी कि मेरी दुश्मनी उन लोगों से जो इन्हें ले गए हैं। 2013 में जब इलेक्शन हुए, नवाज शरीफ साहब इलेक्ट हुए, जब उस टाइम भी नवाज शरीफ को भी वही कुवतें ले के आई जिसे इमरान खान ले गए हैं, ठीक है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ ने भी एपीसी में शिरकत की, कल यही शहबाज शरीफ साहब से, यही नवाज शरीफ साहब से जो ये कहते थे कि हम जरदारी को सड़कों में घसीटेंगे, ठीक है, ये सारा पैसा मुल्क का लूट के सिंध में लगा रहे हैं, बाहर ले गए हैं पैसा। तो जो आज एपीसी हुई है, मेरा नहीं ख्याल कि जी कि इससे गवर्नमेंट को कोई नुकसान पहुंचा सकेगी ये एपीसी। नवाज शरीफ फारिग है, वो इंग्लैंड बैठकर बातें करता है, जब पाकिस्तान आएगा पता चलेगा।